आज मैं बात करने वाला हूँ इस हाउस से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ग्राउंड प्लस वन प्लस टू के ये प्रोजेक्ट है। ग्राउंड फ्लोर की जो प्लानिंग हुई है वो पर्सनल यूज़ के लिए है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की जो प्लानिंग हुई है वो रेंटल पर्पस से, यानी कि इस दोनों फ्लोर पे फ्लैट की प्लानिंग हुई है। आइए मैं आपको साइट के बारे में बताता हूँ कि प्लॉट साइज़ क्या है और साइट कंडीशन क्या है। उसके बाद हम इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान देखेंगे कि किस तरह से प्लानिंग इस पे हुई है। थर्टी इंटू 35 फिट का ये प्लॉट है, ठीक है। ये रोड है और ये अपना सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है, ये 30 फिट। बाकी राइट लेफ्ट और बैक साइड में हाउस है, तो जो अपनी ओपनिंग है ये 30 फीट है ये पोर्शन, ठीक है। इसका अब हम ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग इसकी देखते हैं कि किस तरह से इस पे ग्राउंड फ्लोर पे प्लान किया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। ये गेट है फ्रंट पे, ठीक है। एंट्री सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पार्किंग है। साइज़ यहाँ पे मेंशन है कि किस साइज़ की पार्किंग है अपनी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हमारा रेंटल पर्पस से, वहाँ उस फ्लोर पे फ्लैट है, तो इस वजह से स्टेयर केस हमको बाहर से करना हो रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्रंट पे स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे हम प्लांट वगैरह अपना कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एंट्री है मेन जो कनेक्ट कर रही है लिविंग और डाइनिंग एरिया, ठीक है। साइज मेंशन है, आप साइज देख सकते हैं कि किस साइज पे ये लिविंग और डाइनिंग एरिया है आपका। लिविंग हॉल से अटैच है कॉमन लेट बाथ, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन है, ओपन मतलब वेंटिलेशन पर्पज से बनाए गए इस ओपन को। जस्ट यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल का लगा कर सकते हैं और आप देख ले नंबर ऑफ रूम 3 नंबर ऑफ रूम है, ठीक है। और ये बैक साइड के जो रूम्स है 2 और 3 नंबर्स के, यहाँ पे आप देख लें कि अटैच लेट बाथ भी है। और ये सेंटर पे किचन है, ठीक है। साइज मेंशन है आप देख सकते हैं, और ये बैक साइड में वॉश एरिया है, ठीक है। वेंटिलेशन पर्पस से भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं विंडो वगैरह रूम की और लेट बाथ की। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर की ये प्लानिंग है।